On this occasion, Dr. Ramesh Pokhriyal ji tweeted, "Dear students, parents and teachers, at the rate CBSE India 29 has announced the result of class 12th and can be accessed at cbseresults.nic.in. We congratulate you all for making this possible. I reiterate, students' health, quality, education are our priority." Hi everyone, myself Kavita and you are watching my YouTube channel Kavita is here. आज इस वीडियो में मैं सभी बेटियों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और ये भी बताना चाहूँगी कि एक और जहाँ बेटियों ने अपनी मेहनत, कार्य क्षमता और समर्पण से अपने माँ बाप को गर्व का एहसास कराया है, वहीं दूसरी ओर नारी शक्ति को भी बल प्रदान किया है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। CBSE 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बेटियों का जलवा साफ नजर आ रहा है। अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों में भी बेटियां ही आगे हैं। चिक्कर इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा सालाग्या मिश्रा ने तो इतिहास रच दिया है। सालाग्या ने 99.6% अंक प्राप्त किए हैं। बरेली के इतिहास में आज तक किसी भी छात्र छात्रा ने इतने अंक नहीं पाए हैं। ह्यूमैनिटीज की छात्रा सालाग्या मिश्रा ने इसका श्रेय अपने स्कूल, शिक्षकों और अभिभावकों को दिया। चिक्कर इंटरनेशनल के डायरेक्टर राजेश चिक्कर ने दावा किया कि सालाग्या ने पूरे देश में ह्यूमैनिटीज में टॉप किया है। GRM की आंचल सक्सेना ने 97.8% मार्क्स प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। BBL अलकनाथ की अनुष्का चौहान ने 97.6% अंक पाए हैं। बोर्ड ने कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। स्कूलों से प्राप्त रिजल्ट के आधार पर बेटियों का दबदबा साफ दिख रहा है। सिटी कोऑर्डिनेटर BK मिश्र ने बताया कि इस बार CBSE ने ना तो मेरिट लिस्ट जारी की है और ना ही जिलों के अनुसार रिजल्ट भेजा है, बस स्कूलों को उनका रिजल्ट भेजा गया है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।